हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट वर्सवेदा विद थर्ड पार्ट। तो गाइज़ ये शेडिंग पार्ट के सेके पार्ट टू है, और अगर ओवरऑल ये वाला ड्राइंग का अगर आप लोग आउटलाइन से शुरुआत करें तो ये थर्ड पार्ट है। मतलब इसके पहले जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं पर राधा जी का जो शेडिंग है वो लगभग हो चुका है, ये इसके पहले वाले पार्ट में है। अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट के लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने ग्रिड मेथड से ये आउटलाइन की हूँ। बहुत ही ईजिली आप लोग चेक कर सकते हैं, और इसका पहले वाला पार्ट भी। सो गाइज़ इस वाले पार्ट में हम कान्हा जी का कलर शेडिंग करने वाले। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं ले रही हूँ लाइट स्काई कलर और नॉर्मल स्काई कलर से हल्का हाथों से मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ। देन ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रूस्टर के व्हाइट पेंसिल। अदरवाइज गाइज मैं पूरा का पूरा शेडिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डोम्स के कलर पेंसिल, एंड यहाँ पर जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रूस्टर के मीडियम सर्फेस वाले पेपर। तो सिंपली गाइज यहाँ पर करना क्या है, लेयर बाय लेयर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। एक लेयर में हल्के हाथों से मैं दे रही हूँ, देन ब्लेंड कर रही हूँ। अगर मुझे जहाँ पर लग रही है थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे लेयर चढ़ाना है वहाँ पर मैं वही कलर से अप्लाई कर रही हूँ, एंड बहुत ही हल्के हाथों से और एक फ्लो से। मतलब जहाँ मन था मैं घिस नहीं रही हूँ, जहाँ पर कर रही हूँ जैसे कि हैचिंग टेक्निक से उसी तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और गाइज़ ये वाला रेफरेंस अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ पे रेफरेंस को देखकर आप लोग ड्रॉ कर सकोगे। और यहाँ पर गाइज़ मैं रेफरेंस को देख रही हूँ उसी की तरह करने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ पे कौन से कलर है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, देखना है कुछ टाइम लेके कहाँ पे कौन से कलर है। कलर ऐसा नहीं दूर से हमें लगता है कि एक कलर है, लेकिन हम लोग जब गौर से देखते तो उसमें बहुत सारे कलर निकलते हैं। इसी तरह से आप गाइज़ आप लोगों को देखना है। जैसे कि यहाँ पर होंठ में मैं तीन कलर यूज़ की हूँ, लाइट पिंक कलर यूज़ की हूँ, हल्का सा ऑरेंज यूज़ की हूँ, टोमेटो रेड का यूज़ की हूँ, ब्राउन का यूज़ की हूँ। इसी तरह से गाइज आप लोगों को कलर को चूज़ करना है, एंड उसी तरह से करते जाना है। नेक वाले पोर्शन में सेम मैं यहाँ पर यूज़ की हूँ रेफरेंस की तरह, यहाँ पर ड्रॉ की हूँ एंड लेयर बाय लेयर काम कर रही हूँ। हेयर पे जैसा कलर है वही देने का कोशिश कर रही हूँ। जैसे वैसे तो डोम्स के उतने सारे कलर नहीं मिलते, उतने सारे कलर अवेलेबल नहीं है, फिर भी जा मेरे पास जो भी है उसी से मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा पर्पल जहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइट्स की वजह से, थोड़ा सा डार्क पिंक का यूज़ कर रही हूँ, कहीं पर मैं ब्लू का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से मैं रेफरेंस के अनुसार काम कर रही हूँ, एंड डिरेक्शन वाइज हेयर को मैं यहाँ पर चला रही हूँ। पहले गाइज मैं बहुत सारे कलर हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं थोड़ा सा जगह पे जहाँ मुझे ब्लेंडिंग करना है पर मैं व्हाइट से ब्लेंड कर रही हूँ, देन मैं ब्लैक कलर से शेडिंग कर रही हूँ। अगर गाइज इस वीडियो की स्पीड आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लोग सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं मेरा जो भी ड्रॉइंग है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। और एक बात गाइज अगर ये वीडियो किसी को हेल्प करता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। कुछ भी आप लोगों को इस ड्राइंग के बारे में पूछना होगा या फिर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर और ये मेरा ड्राइंग कैसा लग रहा है वो भी आप लोग बता सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी आप लोग कमेंट कीजिए। ये पे गाइज मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा कर ली हूँ लाइट स्काई और थोड़ा सा स्काई कलर को मिला के कलर लेयर बाय लेयर कलर अप्लाई की हूँ। देन ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ की हूँ व्हाइट कलर का। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह से उसी को मैं सेम कलर करने की कोशिश की हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट रेफरेंस को देखना होगा एंड आपको लाइटली कलर करते जाना है और लेयर बाय लेयर काम करना है। अब और क्या गाइज पूरा का पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, बीच बीच में मुझे जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं वहाँ पे कुछ बोलूंगी, तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो को एंड तक देखना। वाले जगह पे मैं हाइलाइट्स को दिखाने के लिए व्हाइटनर का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा व्हाइट जेल पेन खत्म हो चुकी है इसलिए मैं व्हाइटनर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो एक्रेलिक व्हाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं हाइलाइट्स को दिखाने के लिए। फ्लावर्स
फ्लावर के माला के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ रेफरेंस के कलर, रेफरेंस अनुसार कलर। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लाइट पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक, थोड़ा सा टोमेटो रेड का मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर के बंचेस दिखाना है इसीलिए। अब आते हैं क्लॉथ में। क्लॉथ में बहुत ही लाइट सा कलर है इसलिए लाइट लाइट तरह से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, देन ब्लेंडिंग कर रही हूँ व्हाइट कलर से। जैसे कि हल्का स्काई है, थोड़ा बहुत जगह पे पर्पल है, थोड़ा बहुत जगह पे ऑरेंजेस है, येलो कलर है, इसी सभी कलर को मिला के एक क्लॉथ के जो कलर है वो यहाँ पर मैं करने की कोशिश की हूँ। तो गाइज इस वाले पार्ट में इतना ही, बाकी के जो भी डिटेलिंग है जैसे कि फ्लावर थोड़ा बहुत बाकी है, नीचे वाले हिस्से में कुछ फ्लावर्स है एंड कृष्णा जी के हेयर में कुछ फ्लावर्स है और थोड़ा सा बैकग्राउंड बाकी है, वो सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे लास्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।